क्रिएटिन लेते वक्त ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो जो है फुल क्रिएटिन की बेस्ट फॉर्म क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे होने वाली है। इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा क्रिएटिन कैसे ले, कैसे नहीं ले, प्री वर्कआउट ले या पोस्ट वर्कआउट ले, पानी के साथ ले या दूध के साथ। आपकी जितनी भी डाउट होगी सब क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले फ्यूचर में कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला CnCH2CO2H होता है। मतलब आपको मैं सिखा चल। तो ये बात हो गई केमिस्ट्री की। अब जो है बॉडी बिल्डिंग में क्रिएटिन क्या है वो बता रहा हूँ। क्रिएटिन लेने से जो है आपकी मसल मास गेन होगी, लीन मसल मास, जो फैटी लेयर होता है उसके ऊपर जो होता है लीन मसल मास वो गेन होगी, और इससे जो है आपकी स्ट्रेंथ लेवल बढ़ेगी। स्ट्रेंथ लेवल से मेरा ये मतलब है कि अगर आप 100 kg के 4 से 5 रेपिटेशन बेंच प्रेस या डेडलिफ्ट स्क्वाट किसी में भी लगा रहे हैं, क्रिएटिन आप निरंतर लेते रहेंगे तो उससे जो है आपकी स्ट्रेंथ लेवल बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो है अगर आप 4 रैप निकाल रहे हैं तो हो सकता है आप 6 या 8 रेपिटेशन आराम से निकाल लेंगे। तो ये जो है क्रिएटिन लेने से जो है आपकी स्ट्रेंथ लेवल बूस्टअप होती है, जिससे अब मसल फटीक होगी, अच्छे से डाइट लेंगे तो आपकी लीन मसल मास गेन होगी। तो अब बात आती है कि इसे कब ले, इसे प्री वर्कआउट ले या पोस्ट वर्कआउट, मतलब कि प्री वर्कआउट में इसे यूज़ करें या पोस्ट वर्कआउट में। तो यह जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसे प्री वर्कआउट ले या पोस्ट वर्कआउट। मैं तो सजेशन करूँगा अगर आपकी जो है स्ट्रेंथ लेवल थोड़ी सी वीक फील हो रही है या फिर वर्कआउट करने से पहले जो है आपको लो फील एनर्जी हो रहा है, तो आप जो है इसे वर्कआउट से आधा घंटा पहले लें। और मैं सजेशन करूँगा बेस्ट टाइम जो है इसे पोस्ट वर्कआउट में लेने की होती है। पोस्ट वर्कआउट में आप इसे प्रोटीन सप्लीमेंट के साथ साथ एक केला, कार्बोहाइड्रेट का कोई भी अच्छा स्रोत उसमें ऐड कर दे, जिससे आपकी मसल रिकवरी बहुत तेज़ी से होगी। तो पोस्ट वर्कआउट जो है मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, बट अगर आप जो है इसे प्री वर्कआउट लेंगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि आप जिम में जो है बहुत तगड़ा एनर्जी मिलेगी, जिससे आप आसानी से रेपिटेशन अच्छा खासा निकाल लेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चाहे जब ले सकते हैं इसे। तो बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा था कि इसको जो है दूध के साथ ले या फिर पानी के साथ। तो जो है आप लोग इसे दूध के साथ या फिर खाली पेट कभी भी मत लें, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि यह जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिर्फ वाटर में ही सॉल्युबल होती है। तो दूध में तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो है आप दूध के साथ अगर लेंगे तो आपके भाई पेट में जो है गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसे जो है केवल पानी के साथ ही यूज़ करें, दूध के साथ बिल्कुल भी मत करें, और खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी सप्लीमेंट खाली पेट जो है कभी यूज मत करिए। क्रिएटिन लेते वक्त आप लोग को 3-4 बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। क्रिएटिन लेते टाइम आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो ये सीधे जो है आपकी किडनी पर असर करेगी। क्रिएटिन जो है बहुत अच्छा है आपकी लीन मसल मास गेन करने के लिए, तो इसके साथ साथ जो है आपकी डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप लोग सप्लीमेंट की ओर भागिएगा, मतलब सप्लीमेंट को यूज़ करिएगा। तो मेन मोटिव यही है कि आप अगर क्रिएटिन लेना है तो कम से कम 4 से 5 लीटर अपने डाइट में पानी जरूर ऐड करिएगा। डाइट नहीं, कुछ भी बोल लीजिए, अपनी रूटीन में जो है 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीजिएगा। तो यही जो है सप्लीमेंट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पर फुल वीडियो थी। वीडियो देख कर अगर थोड़ा सा भी मजा आया तो अपने किसी एक दोस्त साथ जरूर शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बीट्स स्वेटर पहने हैं तब तक नहीं दिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।